क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 12th के बच्चों, वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 19। हां जी, सही सुन रहे हो। ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं है कि 19वां वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले क्लास 12 की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए मैं दे चुका हूं कुल मिलाकर 18 वीडियो लेक्चर, और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 19, जिसमें मैं आपको कुछ नया तो नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है टू एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वीडियो लेक्चर नंबर 18। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसके बिना ये वाले वीडियो लेक्चर में कोई भी बात आपको नहीं समझ आएगी। सो इसलिए मेरी सजेशन है कि इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो लेक्चर नंबर 18 देखना, समझना, जानना और यहां तक याद रहना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूं कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं आपको। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिज्म की दुनिया में काम आती है। जैसे कि सबसे पहली टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी मैग्नेटिक परमियबिलिटी। बिल्कुल सही आपने सुना, मैग्नेटिक परमियबिलिटी, ये हमारी पहली टर्म थी। दूसरी टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और तीसरी टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, चौथी टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और पांचवी टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बिल्कुल सही आपने सुना। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगा। बहुत लंबा वीडियो लेक्चर नहीं है, सिंपल सी डेरिवेशन है, आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे सवाल कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो एक 3 मार्क्स की छोटी सी डेरिवेशन है, एंड दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ रिलेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमियबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमियबिलिटी भी कौन सी वाली? मैग्नेटिक परमियबिलिटी वैक्यूम की भी हो सकती है, मैग्नेटिक परमियबिलिटी मीडियम की भी हो सकती है, और मैग्नेटिक परमियबिलिटी मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो सकती है। याद करो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, इसे कहते हैं मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसे कहते हैं मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ मीडियम, और मीडियम की परमियबिलिटी को जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है या लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियबिलिटी। अब बातों में देखा जाए तो यहां पर मैंने 3 मैग्नेटिक परमियबिलिटी का जिक्र कर दिया, एक मीडियम वाली, एक वैक्यूम वाली, और एक मीडियम की वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जिसे कहा गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमियबिलिटी। मैं जिस परमेबिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में आपको समझा रहा हूं वो परमेबिलिटी एक्चुअली में रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 19। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज को समझने से पहले वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज या वो सारे मैग्नेटाइजिंग टर्म्स जो हम पढ़ चुके हैं आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के बता दूं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सिंबल होता है म्यू आर, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल होता है काय एम, अगर आपको याद हो। अब कैसे करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई एक मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूम है, फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूम है, और इस वैक्यूम में मैंने एक मटीरियल रख दिया। यहां पे मैंने वैक्यूम में एक मटेरियल रखा। अब वैक्यूम में आपने मटेरियल रखा और वैक्यूम में जो मटेरियल रखा बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ये समझाने का तरीका है, ये डायग्राम कहीं बना के बता देना बच्चों। बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो और उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा
इस मटेरियल में जा रहा होगा, क्योंकि पूरा तो हिस्सा जाएगा नहीं। एक बच्चा कहता है पूरा क्यों नहीं जाएगा? यार पूरा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये वैक्यूम थोड़ी है। जितनी अच्छी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या मैग्नेटिक परमियाबिलिटी वैक्यूम की होगी, क्या उतनी अच्छी परमिटिविटी या परमियाबिलिटी किसी दूसरे मीडियम की हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, वैक्यूम जितनी अच्छी नहीं हो सकती। तो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बाहर से मैं कुछ फील्ड लगाऊंगा तो उस फील्ड का असर वैक्यूम पे भी आएगा और वैक्यूम में पड़े उस मीडियम पे भी आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, कैन बी से, आई रिपीट माय सेंटेंस, देयर फोर, आई रिपीट माय सेंटेंस, देयर फोर वी मे राइट, हम लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम। क्या मैं लिख सकता हूं कि जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस मीडियम में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। अब मैंने यहां पर लिखा लेट एच बी द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, लेट एच बी द मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल, यानी मटेरियल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है। अब सुनो, एच वो ताकत है जो हम लगा रहे हैं, एच वो ताकत है जो हम लगा रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा असर कहां आएगा, वैक्यूम में या मीडियम में? ऑब्वियस बात है वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम की परमेबिलिटी मैक्सिमम है। तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और वी कैन से दैट वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंड सिमिलरली अगेन क्या मैं बोल सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम, मीडियम की मैग्नेटिक परमिटिविटी विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है। ये सारे मतलब आपको पता होने चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जो मटेरियल जिस हद तक मैग्नेटाइज होगा, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उस मटेरियल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसी पे तो डिपेंड करेगी। तो और वी कैन से दैट बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर ये दोनों चीजें उठाकर मैं यहां लिखता हूं, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, यहां जगह बना लेता हूं क्योंकि ये हमारा वैक्यूम था, तो मैं यहां लिख देता हूं कि वैक्यूम था। ये देखिए, ये जगह आपके बहुत काम आएगी, अच्छे से सुनना। देयरफॉर वी मे राइट, हम लिख सकते हैं कि बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बट हम जानते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू कितनी ताकत आती डिवाइड बाय कितनी ताकत हम लगाते, और वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू काई एम इनटू एच। ये पुरानी बातें हैं। अगर इस आई की वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे बच्चों, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस काई एम एच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच हमने यहां पे एच कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा वन प्लस काई एम। पहले देखो आपके सामने आपको पूरा एक्सप्रेशन दिखना भी तो चाहिए, अगर एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहा होगा तो मेरे समझाने पर चीज क्या खास समझ आएगी? छोटी सी डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करा रहा हूं, बहुत मामूली सा टॉपिक है, चाहे मुझे दो बार समझाना पड़े। सुनो ध्यान से, अब ये बी क्या है, बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम डिपेंड करोगी उस परमिटिविटी पे जो नेट आई प्लस एच जो ताकत हमने लगाई। तो बी की जगह म्यू नॉट म्यू एच लिखा, यहां म्यू नॉट में लिखेंगे क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वैक्यूम में नहीं है भाई। सिर्फ वैक्यूम की परमिटिविटी क्या थी, सिर्फ वैक्यूम की क्या है, म्यू नॉट, सिर्फ मटेरियल की क्या है, म्यू एम, और दोनों की मिलाकर जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी परमिटिविटी क्या मान ली, म्यू। तो म्यू तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है पूरे मीडियम की, म्यू नॉट इज अ वैल्यू ऑफ
वैक्यूम एंड म्यू एम इज द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल, सो बी की जगह म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ब्रैकेट में वन प्लस काई एम। अब सुनना, एच से एच कैंसिल, तो मेरे पास आ गया म्यू बटा म्यू नॉट इज इक्वल टू वन प्लस काई एम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये म्यू बटा म्यू नॉट क्या है। म्यू बटा म्यू नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को ही हम कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को ही हम कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी। तो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार आपके सामने, आपकी आंखों के सामने जो एक्सप्रेशन आया है, जरा इसे घूरो, जरा इसे देखो। ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है, लेकिन इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको डेरिवेशन कराई है, ये अपने आप पे बहुत प्यारी डेरिवेशन है। तो हमारे पास डब्बे में एक एक्सप्रेशन आ गया दैट म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एम, यानी दिस इज नथिंग बट अ वेरी वेरी स्मॉल रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और परमिएबिलिटी भी कौन सी वाली, रिलेटिव वाली, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक छोटी सी डेरिवेशन आ चुकी है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये 3 मार्क्स की तो कम से कम पूछी ही जाती है। इसलिए मेरी आपको एक ही सजेशन है कि जितना भी मैंने आपको है समझाया, इस पूरी डेरिवेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो। सबसे पहले हमने क्या माना, हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक बार में समझने में दिक्कत आई होगी, अब उन बच्चों की मदद करता हूं। डेरिवेशन रटना मत, डेरिवेशन समझना। कैसे, एक हमने मटेरियल लिया जिसे मुझे मैग्नेटाइज करना है, एक मैंने मटेरियल लिया जिसे मुझे जलाना है। जलाना मींस आग लगा के जलाना, मैग्नेटाइज मींस चुंबकीय ताकत अप्लाई करके चुंबक जैसा बनाना। तो एक मटेरियल लिया, उसे मैंने रखा और उसके आसपास क्या है, वैक्यूम। मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं उसका असर कहां आएगा, दो जगहों पे, उसके आसपास वाले वैक्यूम पे प्लस मीडियम पे। वैक्यूम की इजाजत कितनी, म्यू नॉट, मीडियम की इजाजत कितनी, म्यू एम। सो मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पनपेगी, कहां कहां पैदा होगी, वैक्यूम में क्योंकि वैक्यूम के पास भी इजाजत है, और मीडियम में क्योंकि मीडियम के पास भी इजाजत है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं, वैक्यूम में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस मीडियम में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ताकत हम लगाते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स के हिंदी मतलब मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 18 में अच्छे से समझाए हैं, इसलिए याद रहना तो बहुत जरूरी है हिंदी के मतलब, क्योंकि हिंदी का मतलब समझ आएगा तो उनका इंग्लिश का मतलब समझ आएगा, वरना सबको पढ़कर ऐसा लगता है सब एक जैसा है। सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब वो ताकत जो हम लगाते हैं, आई मींस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मत बोलो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही बोलो, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हम कभी कभी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट यूज वर्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यूज द वर्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब किस हद तक मीडियम मैग्नेटाइज हुआ है। तो लेट अस से कि मीडियम आई हद तक मैग्नेटाइज हुआ है। तो अगर हमने ताकत एच लगाई तो वैक्यूम में ताकत जो पैदा हुई वो एच पे डिपेंड करेगी, क्योंकि एच लगाओगे एच पाओगे। तो वैक्यूम में जो ताकत पैदा होगी पी नॉट वो एच पे डिपेंड करेगी, मीडियम में जो ताकत पैदा होगी वो उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करेगी यानी आई पे डिपेंड करेगी। देयरफॉर बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। अगर बी नॉट की ये वैल्यू बी एम की ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को उठा के मैं यहां लिख सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच, बी एम की जगह म्यू नॉट आई, दोनों में से म्यू नॉट को बाहर निकाला, ब्रैकेट में एच प्लस आई लगाया।
अब b is equal to mu not h plus i में से जो i है उसका और h का एक रिश्ता होता है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कितनी ताकत पाते डिवाइडेड बाय कितनी ताकत लगा आते। हाँ, ये बातें याद आनी चाहिए। अगर ये बातें भूल रहे हो इसका मतलब आपने वीडियो लेक्चर नंबर 18 अच्छे से नहीं देखा है। लेकिन अगर मेरी बातें सुनते सुनते आपको मेरे शब्द ऐसा लग रहा है कि पहले भी कहीं सुने हैं, मतलब आपने वीडियो लेक्चर नंबर 18 में अपनी अटेंशन दी है। जो दी होगी वहां आपने अटेंशन, उतनी कम मिलेगी यहां आपको टेंशन। जो दोगे कम वहां अटेंशन आएगा, यहां की टेंशन में दम ही दम टेंशन। इसलिए सुनो, तो H और I के बीच में एक रिश्ता होता है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I बाय H। देयरफॉर I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू H। I की वैल्यू को उठा के यहां लगाया, म्यू नॉट H प्लस I में I की जगह काई एम प्लस H, इसे काई एम बोलते हैं, काई एम ये लिखिए, भूलिएगा मत, यहां लिख रहा हूं काई एम हिंदी में बोलने के लिए काई एम। So, chi m means susceptibility, magnetic susceptibility. तो I की जगह chi m h, chi m h को उठा के यहां पुट करा, mu not अपनी जगह, b अपनी जगह, h अपनी जगह, I तेरी जगह, chi m h, दोनों में से h बाहर निकाला, तो mu not h, b अपनी जगह, h plus chi m h, दोनों में से h बाहर निकाला। अब b क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टीमेटली मैक्स टू मैक्स डिपेंड तो उसी पे रहेगी जो आपने लगाया। हमने क्या लगाया? H लगाया। भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड उतने ही बराबर हो सकती है जो वैक्यूम में गई। मीडियम में कितनी गई हम नहीं जानते, वो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड मैक्स टू मैक्स वैक्यूम के बराबर होगी। तो B की जगह लिख दिया म्यू एच, जिसमें म्यू इज द परमिटिविटी ऑफ द एंटायर मीडियम प्लस वैक्यूम। तो हमने लिख दिया B की जगह म्यू एच, यहां लिखा म्यू नॉट एच, एच से एच कटा, म्यू बटा म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। और किसी भी चीज की परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू is called as relative magnetic permeability. किसी भी चीज की permeability with respect to vacuum is called as relative magnetic permeability. यही वजह है कि mu बटा mu naught को मैंने यहां पर लिख दिया mu r, where mu r is called as relative magnetic permeability. Hence, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, this is the relationship between mu r and chi m. What is mu r? Mu r is relative magnetic permeability. And what is chi m? Magnetic susceptibility. कितने मार्क्स की डेरिवेशन? पूरे 3 मार्क्स की डेरिवेशन। अच्छे से घूरो। This is a very very important and very very छोटू। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करा दी मैंने आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करा दी, छोटा सा वीडियो लेक्चर है, एक ही बात को बार बार दोहरा दिया ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, छोटा सा वीडियो लेक्चर है। This is a very simple derivation of the relation between the मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो भी कौन सी वाली, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई हुई ये सारी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब सवाल आता है, सर इस यूनिट में बचा क्या है? 19वें वीडियो लेक्चर पे आ गए हो और क्या क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है मेरे बच्चों। अभी अगर मैं सब चीजें बारीकी से पढ़ाऊं तो कम से कम 2 वीडियो लेक्चर अभी और आने बाकी हैं। अगला वीडियो लेक्चर जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, वो वीडियो लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी हमारे आसपास जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं, उन सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अच्छा चुंबकीय सब्सटेंस माने या ठीक ठाक चुंबकीय सब्सटेंस माने, कैसे पता चलेगा? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, और वो पैरामीटर्स मैं आपको यहां भी पढ़ा चुका हूं, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब जब पैरामीटर्स का मिल चुका है ज्ञान, तो क्यों ना हम प्राप्त कर ले इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन का ज्ञान। तो मत करिए अपना टाइम वेस्ट। अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट, लौट कर बहुत जल्दी आऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 20 में, ये 19 था ना, वीडियो लेक्चर नंबर 20 में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक अच्छा
अच्छे से समझाऊंगा और इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने है आपको समझाया इसे लिखकर प्रैक्टिस करो, किताब देखो, वेरीफाई करो, कंफर्म करो और अपना फायदा करो। आपने अपना जो कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।